हर सुहाने दिन के साथ आज हम लोग एंशियंट डेब्रिस की तलाश में जाने वाले हैं। आज का मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि क्या चिप्पू अभी भी हमारे वर्ल्ड में जिंदा है। क्या वो भटक रही है? हो सकता है वो मेरे वर्ल्ड में अभी भी घूम रही हो और गलती से मैंने उसे मरा हुआ समझ लिया। हमारी चिप्पू इस दुनिया में जिंदा है या नहीं, इस मिस्ट्री का पर्दाफाश करने का टाइम आ चुका है। हम लोग चिप्पू को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है आप लोगों को इस टाइम का बहुत टाइम से इंतजार था। क्या आप लोग तैयार हो? मैं ऐसे भरोसा नहीं करने वाला। मेरे को देखना पड़ेगा कि ये कमांड काम करती भी है या नहीं। चिप्पू हमेशा से जिंदा थी। हमारी फैमिली फिर से कंप्लीट हो गई। अरे कहाँ पे थी तू भाई? है, हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अरे हमारी चिप्पू एक्चुअल में जिंदा है। अरे चिप्पू वेलकम बैक। अरे तूने मिस किया मुझे, कहाँ जा रही है ये? ये गुस्सा आया आई थिंक मेरे से है। मैंने तेरे को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, तेरे को ऐसा लगता है? अरे मैं सारी रात ढूंढ रहा था तेरे को। आई प्रॉमिस, झूठ नहीं बोल रहा मैं। इसका मतलब मैं मर्डरर नहीं हूँ। मुझे लग रहा था मैंने मर्डर कर दिया अपने प्यारे पहले पेट का। अरे ये चिप्पू कहाँ चली गई फिर से? ओए ए चिप्पू, कहाँ दीवार में इतना दुखी क्यों है तू? मेरे से इधर आ। ओए हेलो गूगलू, देख भाई, याद है तुझे चिप्पू? भूल तो नहीं गया तू? इतने सारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारी पहली पेट थी ये गदेड़ी। तू कहाँ चली गई थी? है इधर उधर से सरक गई थी, तेरे को अच्छा नहीं लग रहा? देख मैंने कितनी सारी अपडेट करी। देख तेरे को तेरा स्टैचू दिखाऊं, इधर आ। तेरे को मैंने कितना याद करा था, तेरी याद में इतना बड़ा स्टैचू बनाया है। कभी सोचा था तूने तेरे लिए कोई स्टैचू बनाएगा? देख इधर, मेरी मेहनत को अप्रिशिएट तो कर। ये टाइम है जश्न मनाने का, इसलिए मैं थोड़े से रॉकेट्स बनाने वाला हूँ। अब मेरे पास एक फायर चार्ज है, तो शायद उससे हम फूटने वाले रॉकेट्स बना सकते हैं। एक तो सामान नहीं मिलता टाइम पे, अभी तो देखा था मैंने वो, अरे मेरी इन्वेंटरी में पड़ा है। ओके, फायर चार्ज है हमारे पास, पेपर हमने बना लिए। अब हमें चाहिए गन पाउडर एंड आई थिंक अब हम रॉकेट्स बना सकते हैं। पेपर एंड गन पाउडर, आई थिंक फायर स्टार चाहिए होता है हमें उसके लिए। ओके, ऐसे ही फायर वर्क रॉकेट से काम चला लेंगे हम। रात होती तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन है यह चिप्पू के आने की खुशी में। ये मजा आ रहा है तुम लोगों को? खुश हो तुम लोग? हैं भाई, चिप्पू तेरे से घबरा रहे हैं ये, है दूर दूर रह रहे हैं। आई एम डेफिनेटली श्योर तेरे फ्रेंड बन जाएंगे ये थोड़े दिनों में। अभी ये घबरा रहे हैं कि ये नया मेहमान कौन आ गया। बता दे तू इन्हें, सबसे पहली मेंबर है तू इस घर की। सारे रॉकेट्स खत्म, पता नहीं हमारी प्यारी चिप्पू कितने दिन की भूखी है। ये ले। अरे हाँ, तुझे भूख नहीं लग रही? अच्छा ये सीड तो तेरे को घासों में पड़े मिल जाते होंगे ना। ओके चिप्पू, अब तू वापस फैमिली में आ गई है, तो थोड़ा सा घुल मिल बाकी सब लोगों से, फ्रेंड्स बना। मैं जाता हूँ, मेरे को एक मिशन पे जाना है। अब क्योंकि चिप्पू हमारे पास वापस आ गई है, हम लोग बहुत ही खुशी के साथ एंशियंट डेब्रिस की तलाश में जा सकते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मैं एक डायमंड पिकैक्स बनाने वाला हूँ और उस पे फॉर्च्यून 3 और मेंडिंग लगाने वाला हूँ, ताकि हम लोग आराम से एक ही पिकैक्स यूज करके सारी जो एक्सप्लोरिंग है वो कर सकें। और इसी से मुझे याद आया कि मेरे जो पैर हैं वो भी खत्म होने वाले हैं, और ये तो सोल स्पीड 2 वाले पैर हैं, मैं इन्हें भी नहीं खोना चाहता, तो मैं इस पे भी मेंडिंग लगाऊंगा। अब बात सारी ये है कि क्या मेरे पास मेंडिंग की बुक्स हैं? मेरे को लग नहीं रहा।
हेलो विलेजर्स, मैं तुम्हारा खून चूसने फिर से आ गया। अरे गड़े ही सारे गोलम हो रहे हैं यार। हाँ भाई लाइब्रेरियंस, किसी के पास मेंटिंग है? स्माइट 5 ले रहा है छोरा। मुझे लगता मेरे किसी भी लाइब्रेरियन के पास मेंटिंग वगैरह है। मैंने अपने इस विलेज के लिए एक और चीज सोची है कि मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। आई मीन यहाँ पे ना बड़ा लोनली लोनली सा फील होता है और ये लोग भी बेचारे कैद होके रह रहे हैं। तो इस प्रजनन केंद्र को हम एक्चुअली एक बड़ी विलेज बना देंगे। मैं इस दीवार को यहाँ पे घसीट के यहाँ तक ले आऊंगा और अपने घर को भी ना इसी एक बड़ी विलेज में समेट लूंगा। मेरा घर मेरा प्राइवेट कैसल रहेगा और बाकी जो जगह रहेगी वो इन बालकों में बांट देंगे हम। जमीन की कमी थोड़ी है, चाचा विधायक नहीं तो जमींदार तो है ही, दुनिया भर की जमीन है हमारे पास। सबसे पहले तो यार तुम लोग बहुत हो रहे हो, तुम लोग बाहर आओ थोड़ा सा, इनके गलती से लग गई ना ये मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। बाहर आ भाई, बाहर आ जाता हूँ। इतना लंबा क्यों हुआ था, किसने पिलाया तेरे को इतना सारा कॉम्प्लेन है? अब मेरे को बार बार ये तोड़ के देखने पड़ेंगे और मेरे को थोड़ा थोड़ा इतनी पसंद नहीं है करनी। इनमें से किसी के भी लग गई ना, मेरे सारे लाइब्रेरियन परमानेंट है आई थिंक। विलेजर्स इधर आओ सारे, तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ मैं। नोटी नोटी काम करने का टाइम आ गया, ये लो मेरे को थोड़े से बच्चे पैदा करके दो फटाफट। कम ऑन एक्साइटेड हो जाओ यार, ऐसा ना करो है, किसी को गोली वोली चाहिए हो तो बता देना, एक्साइटमेंट ना आ रही हो है, पिल्स वगैरह की जरूरत पड़े वो भी इंतजाम कर दूंगा मैं। देखो सोने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों ने वैसे ही कौन सा काम करते हो, तुम लोग यहाँ घूमते रहते हो। ओ भाई लव क्यों नहीं कर रहे तुम लोग, प्यार देखना मुझे प्यार, ऐसे रूठे रूठे ना रहो एक दूसरे के साथ। मे बी उन लोगों को शर्म आ रही होगी मेरे सामने करने में, मैं सो जाता हूँ चुपचाप। जब मैं सुबह उठूंगा तो वो मेरे को गुड न्यूज देंगे। गुड न्यूज मिलेगी मुझे, शुभम आप दादा बन गए। कहाँ पे है मेरे बच्चे हैं? और मेरे पोते कहाँ है, क्या कर रहे थे तुम पूरी रात? ओए ये रे मेरे पोते। अरे कैसा है मेरे चिंटू है, सिखा रहे ना तू इसे बेसिक चीजें, इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करते हैं? अपने दादा को पहचान नहीं रहा, गुद्दी तोड़ूंगा इसके बाद में आके। ओके प्रजनन तो करवा लिया मैंने, लेकिन यार नेदर में जाने का कोई फायदा नहीं है अगर मैंने अपनी ये चीजें रिपेयर नहीं करी और डायमंड पिकैक्स नहीं बनाई तो। आई एम प्रिटी श्योर मेरे पास एक डायमंड पिकैक्स थी, एफिशिएंसी और अनब्रेकिंग। हाँ मेरे पास ये अनब्रेकिंग 3 है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। डायमंड्स की कमी नहीं है हमारे पास तो मैं एक पिकैक्स बना ही लेता हूँ। एक मिनट, नेदर से कोई मिलने आया है? अरे हेलो सर।